सो हे क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू TH-15 अटैक स्ट्रैटजी गाइड के ऊपर। तो गाइज़, ये जो आर्मी है मेरे हिसाब से बहुत ही इजी आर्मी है यूज़ करना इसे, एंड इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड इसके साथ आप लोग लेजेंड लीग हो गया, CWL हो गया, ग्रैन वॉर लीग्स हो गया, कुछ भी हो गया भाई, आप लोग कहीं पर भी इसके साथ धूम मचा सकते हैं एकदम। एंड अटैक स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसी के बारे में हम लोग बात भी करने वाले हैं कि किस तरह से इसे यूज़ करना है, एंड एक एक चीज़ भाई डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जितने बंदे भाई चैनल पे न्यू है भाई, चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई। नहीं सो गाइज, अटैक पे जाने से पहले हम लोग एक बार आर्मी को देख लेते हैं। तो आर्मी में हम लोग यूज़ करेंगे भाई 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, 13 रूनस एंड एक बेबी ड्रैगन, 2 मिनियंस, 1 आर्चर। ठीक है, तो 2 मिनियंस 1 आर्चर यूज़ करने का रीज़न है कि थोड़ा सा कभी कभी बिल्डिंग्स बच जाते हैं तो उससे थोड़ा हम लोग विनअप कर सकते हैं। एंड स्पेस में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, हमने इस बार यूज़ किया है 4 रेज, 4 फ्रीज एंड 1 पॉइजन एंड 1 इनविजिबल स्पेल का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, अब एक बार आप लोग हीरोज़ के साथ पेट को देख ले, तो किंग के साथ आप लोग याक या तो फॉरेस्टी का ज़्यादा यूज़ करो, एंड क्वीन के साथ आप लोग को यूज़ करना है यूनिकॉर्न का, एंड ग्रैंड वार्डन के साथ आप लोग को यूज़ करना है इलेक्ट्रिक आउल का, एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ दी डिग्गी पैट विथ रॉयल चैम्पियन। देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सो गाइज, ये रहा हमारा पहला बेस, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर टाउन हॉल बेस है, एंड रिंग बेस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले, एंड ओके तो रेंज टावर है भाई इसमें। तो भाई इस आर्मी के साथ आप लोग को दोनों साइड पे फनल क्रिएट करना होता है सबसे पहले, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हीरोज़ को ड्रॉप किया, एंड यहाँ पर क्वीन की एबिलिटी को गाइस गलती से टैप हो गया था, बट कोई नहीं, यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि मेन आर्मी के उतार दिया है रूनस के साथ, एंड ये हमारा बैटल बिम भी आ चुका है। एंड यहाँ पर 2 रेंजेस का सबसे पहले आप लोग को इस्तेमाल करना है, एंड अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो ईगल के शॉट्स जैसे गिरने वाले थे हमारे आर्मी पे, तब जाके हमने वार्डन की एबिलिटी को टैप किया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज टावर भी एक्टिवेट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर एक फ्रीज कर देंगे टाउन हॉल के पास, एंड टाउन हॉल जो है गाइज इजिली टेक डाउन हो गया, एंड ये ओपोनेंट की क्वीन ओके डाउन हो चुकी थी, तो फ्रीज वेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और एक रेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिल रहा है हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, एंड यहाँ पर हमने सपोर्ट के लिए रॉयल चैम्पियन को भी इधर ही से उतार दिया, एंड इस एक स्कैटर शॉट इसका बाहर की साइड में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे आर्मी अभी हमारे यहाँ पर है, एंड यहाँ पर RC की एबिलिटी भी टैप हो चुकी है, एंड RC जो है अब अपर की साइड में जा रही है, रेंज टावर को साइड टेक डाउन करेगी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि CC से रूनस निकल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर पॉइजन लेके आए हैं तो पॉइजन का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर CC ईजिली टेक डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स जो है यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो के पास चले गए, तो हमने यहाँ पर एक फ्रीज का इस्तेमाल किया, एंड यहाँ पर ये सिंगल इन्फर्नो भी इजीली टेक डाउन हो जाएगा। एंड जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि रॉयल चैम्पियन के साथ अगर आप लोग डिग्गी का यूज़ करेंगे तो स्टनिंग करने का पावर रहता है डिग्गी के पास, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, तो आप लोग डिग्गी का ज़्यादा यूज़ करें। एंड देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न भी जो है लगातार हील कर रही है हमारी क्वीन को, जिसके कारण हेल्थ जो है अभी भी फुल है भाई हमारी क्वीन की। एंड यहाँ पर 2 मिनियंस, जैसे कि मैंने बताया था कभी कभी बिल्डिंग्स छूट जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये 2 मिनियंस एंड 1 अर्चर का यूज़ करते हैं भाई। एंड बाकी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्मी में अभी भी बहुत ही ज़्यादा जान है, एंड अभी भी हमारे पास एक इनविजिबल स्पेल बचा हुआ है, एंड इस इनविजिबल स्पेल का हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर नहीं भी यूज़ करते तो भी भाई बेस बहुत ही ईजी वे में 3-स्टार हो जाता है। एंड इनविजिबल स्पेल का लाने का मकसद यही है कि कभी कभी जो है रॉयल चैम्पियन फंस जाती है, बहुत ज़्यादा स्केलेज निकलते हैं, तब जाके आप लोग को वहाँ पर डालना है एंड रॉयल चैम्पियन को थोड़ा सेव करना है। ठीक है, एंड और एक बेस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड की ओर में है टाउन हॉल, एंड यहाँ पर एक रूम ड्रॉप किया हमने, एंड यहाँ पर पेटल बीम को ड्रॉप करके सबसे पहले टाउन हॉल को ही टेक डाउन कर लिया भाई। ओके, तो पॉइजन टावर भी एक्टिवेट हो चुका है, मतलब टाउन हॉल का जो पॉइजन टावर है वो भी अब थोड़ा सा इसका पावर ख़त्म होने देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक पॉइजन स्पेल का हम लोग यूज़ करेंगे, एंड अपने हीरोज़ को यहीं से ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है चारों के चारों एक्सपोज है, तो एक्सपोज डाउन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मेरे हीरोज़ ये निकाल के दे देंगे ये वाला कंपार्टमेंट, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन को कुछ इस तरह से स्पैम कर दिए, एंड ये रहा हमारा लूज भी आ चुका है, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे ईगल्स के शॉट जैसे गिरेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब वार्डन की एबिलिटी को टैप कर देंगे, एंड यहाँ पर 2 रेजेस का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर स्कैटर शॉट भी है, एंड स्कैटर डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड जब तक वार्डन की एबिलिटी है तब तक भाई फ्रीज स्पेल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट अब हम लोग फ्रीज स्पेल का प्रॉपरली यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रीज़ किया, एंड फ्रीजिंग स्टाइल देखिए गाइज आप लोग, मल्टी टारगेट ओपोनेंट का क्वीन सब कुछ फ्रीज हो रहा था एक ही फ्रीज पे। एंड यहाँ पर और एक फ्रीज करके हमने यहाँ पर जो ये मल्टी टारगेट है वो भी डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पर अब हमने रॉयल चैंपियन को सपोर्ट के लिए उतारा है क्वीन को सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन दो अपर के साइड में एंड कुछ नीचे के साइड में आ चुके हैं, एंड बीच का कंपार्टमेंट तो क्लियर हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड इधर के इग्नोर मारते भाई एंड फोकस करते हैं हमारे हीरोज़ के ऊपर। तो ओके, तो अब हमारे शायद यहाँ पर ये मल्टी टारगेट है तो यहाँ पर ये डाउन कर देगा हमारा आरसी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एयर डिफेंस बचा हुआ है एंड एयर डिफेंस को भी आराम से टेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पर किंग साइड ट्रिगर आउट हो चुका है, तो यहाँ पर हमने टैप कर दिया है आरसी के एबिलिटी को। एंड अभी भी हमारे पास एक फ्रीज स्पेल एंड एक इनविजिबल बचा हुआ है जो कि हम लोगों ने यूज़ नहीं किया आरसी के ऊपर, क्योंकि गाइज आरसी अब ज़्यादा वैल्यू नहीं निकाल पाती तो इसे भी हमने छोड़ दिया। एंड अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मिनियंस का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर दिया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ्रीज स्पेल यहाँ पर यूज़ कर देते हैं ताकि जो है ये वार्डन स्टैचू इजीली टेक डाउन हो गया भाई, देख सकते हैं मिनियंस ने ही टेक डाउन कर दिया। एंड अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया क्वीन की एबिलिटी को, एंड अपोनेंट का किंग भी डाउन हो चुका है एंड बहुत ही ईजी वे में गाइज ये बेस ट्रिपल हो चुका है। तो आप लोग भी इस आर्मी का यूज़ करें एक बार, एंड मैं मिलूँगा गाइज आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक गाइज जय हिंद।